अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैजान और आप देख रहे हैं उर्दू लाइफस्टाइल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैजान और आप देख रहे हैं उर्दू लाइफस्टाइल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे किंग ऑफ बॉलीवुड इरफान अली खान के बारे में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते होंगे इनका प्रोफेशन एक्टर है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। अगर हम बात करें इनकी फैन फॉलोइंग के बारे में तो इनको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में, क्योंकि एक एक्टर के लिए फ़िज़िकल स्टेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी हाइट के बारे में तो हाइट इनकी 6 फीट है, वेट 75 kg है। बॉडी मेजरमेंट में आए तो चेस्ट 41 इंच, वेस्ट 13 इंच और बेस्ट 12 इंच है। इरफान अली खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को इंडिया के शहर जयपुर में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इनकी 2019 में 52 ईयर्स हो जाएगी। इरफान अली खान राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इनके कॉलेज के बारे में तो इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD न्यू दिल्ली से हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स में किया है। जी हाँ दोस्तों, इरफान अली खान ने स्टडी से फारिग होने के बाद अपना कदम एक्टिंग में रखा। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक टीवी शो 1985 में किया। जी हाँ दोस्तों, इनकी पहली फिल्म 1988 को रिलीज़ हुई जिसका नाम सलमान बम्बई था। उसके बाद इन्होंने एक फिल्म ब्रिटिश बनाई जिसका नाम दी वॉरियर था, ये 2001 को रिलीज़ हुई। उसके बाद इन्होंने हॉलीवुड के लिए एक फिल्म बनाई जिसका नाम अ माइट हार्ट 2007 में था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो जाता है इनका रिलीजन इस्लाम है और कास्ट इनकी पठान है। जी हाँ दोस्तों, इंसान मेहनत करता है कामयाबी अल्लाह देता है। इरफान अली खान ने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। इन्होंने अपना करियर 1988 को स्टार्ट किया। 1988 से लेकर 2004 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसी मेहनत के सबब इन्हें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल जिस फिल्म के लिए ने अवार्ड मिला उसका नाम हासिल था। दोस्तों, इरफान अली खान की पर्सनल लाइफ के बाद अब हम बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले इनके चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके दो बेटे हैं, एक का नाम अयान खान और दूसरे का नाम बाबिल खान है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके पेरेंट्स के बारे में तो फादर का नेम साहबजादा यासीन अली खान है और मदर इनकी सईदा बेगम है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके ब्रदर्स के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, सलमान खान और इमरान खान इनके ब्रदर हैं और इनके सिस्टर का नेम रुखसाना बेगम है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आखिर में बात करते हैं इरफान अली खान की सैरली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सब के फेवरेट एक्टर इरफान अली खान 12 से 14 करोड़ पर फिल्म लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इनके नेटफॉर के बारे में तो नेटफॉर इनकी 344 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इरफान अली खान की लाइफ स्टोरी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे थम्स अप करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ स्टोरी बताऊं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं फुल कोशिश करूँगा आपके कॉमेंट को रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।